हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फॉर यू बीएल स्टोरी। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो चिंगमोन था और हमारा जो जून क्वीन थे, दोनों अपने रूफ टॉप पर आए थे और वो दोनों वाइन को ड्रिंक कर रहे थे। और हमारा जो चिंगमोन था वो अच्छे से स्माइल कर रहा होता है और अपनी चाइल्डहुड की बातें बता रहा होता है। तभी बातों ही बातों में ये पता चलता है कि हमारा जो जून क्वीन है वो बचपन में पॉन्ड में गिर गया था। तभी हमारा जो चिंगमोन होता है वो कहता है कि लेकिन कैसे। तभी हमारा जो हिनसेंग रहता है वो कहता है कि उस साल बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं उस टाइम ठंड के दौरान ही पानी में गिर गया था। मेरे फादर ने मुझे ढूंढ लिया, वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम में मैं बचा लिया गया। और डॉक्टर ने कहा कि मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रेयर है और मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, मेरी बॉडी थोड़ी सी वीक हो गई थी, मैंने खुद को एम्बैरस कर दिया। ये बात सुनने के बाद हमारा जो चिंगमोन होता है वो कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और वो तुरंत हमारे जुनकुन को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने पुश किया था, तुम मुझे बताओ। कि हमारा जो जुनकुन रहता है वो बताना नहीं चाहता था। जुनकुन चिंगमोन की तरफ देखने लगता है, तभी वो अपना सर नीचे करता है और उसे याद आने लगता है कि वो पॉन्ड में कैसे गिरा था। उसे कोई पुश करता है और कहता है कि तुम मुझे ये स्कार्फ दो, तुम ये स्कार्फ पहनने लायक नहीं हो। और वो हमारे जून क्वीन को उस पॉन्ड में धकेल देता है और हमारा जो जून क्वीन था वो डूबने लगता है, वो काफ़ी अंदर तक चला गया था। तभी हमारा चिंगमोन कहता है कि तुम अपने आप गिर गए थे। और सोचने लगता है कि एक नोबल हाउस होल्ड में वो भी स्टोन के पाउंड के पास बहुत ज़्यादा स्टोन्स रहते हैं, अपने आप कैसे कोई गिर सकता है, वो भी यंग मास्टर फैमिली का कैसे गिर सकता है, क्या कोई आसपास सर्वेंट नहीं था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये विंटर के मिडिल में अपने आप गिर गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लगता है कुछ तो बात ऐसा है। लेकिन जून क्वीन, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही होल्ड करके रखना चाहता हूँ। एक ब्यूटीफुल पर्सन कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है उसे हार्म करने की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें पुश करने की। तभी वो हमारे जुनकुन की तरफ देखने लगता है, हमारा जुनकुन भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी चिंगमोन सोचने लगता है कि ये कितना ज़्यादा यंग एज में रहा होगा, वो भी विंटर की इतनी ठंडी सर्दी में ये डूब गया, इसे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा, इसे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी ना, और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। तभी अपनी वो फोरहेड को हमारे जुनकुन के फोरहेड से टच करता है और कहता है वांगई। तभी हमारा जो जुनकुन रहता है वो कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी हमारा चिंगमोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लेकर रहूँगा। ये बात सुनते हमारे जून क्वीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करने आता है और सोचने लगता है कि ठीक है। और तभी वो सोचने लगता है कि सिर्फ एक मोमेंट के लिए मैं अपने आप को वीक नहीं हो सकता ना, और मैं अपने आप को सैड भी फील नहीं करा सकता, मैं जानता हूँ कि ये वार्म्थ बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो चिंगमोन होता है वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है मैं लंच पे भी ना लौटूँ। तभी हमारा जो जुनकुन होता है कहता है मैं सुन रहा हूँ। तभी हमारा चिंगमोन कहता है कि ठीक है, डिनर से पहले शायद मैं वापस आ जाऊँगा, और अगर तुम्हें बाहर जाना हो और तुम बोर हो रहे हो तो तुम क्या करना, कुछ कार्ड्स को लेना और बाहर खेलने चले जाना। और सोचने लगता है कि अच्छा रहेगा ना कि मैं इसकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊं, भले ही ये मेरी बातों को ना समझे लेकिन हाफ हार्ट से ही, लेकिन ये मेरी बातों को मान जाए और खुश रहना सीख जाए। तभी वो कहता है कि वेल, एक मेल वाइफ सीजी साउथ गार्डन में जाकर खेल सकती है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। ये बात सुनकर हमारा जो जुनकुन होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में, और वो कहता है कि मैं पहली बार ऐसी बातें सुन रहा हूँ। और वो सोचने लगता है कि वांगाई कितने सारे चाइल्डिश है ना। तो हमारा जो चिंगमोन होता है वो सोचने लगता है कि सच, मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा रिप्लाई रिसीव किया है। तभी हमारा जो चिंगमोन होता है वो कहता है कि ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तभी वो बाहर आता है जहाँ पर उसका एक सर्वेंट होता है, उसके हॉर्स को लेकर रहता है और कहता है वांगाई। तभी हमें वांगाई दिखाया जाता है जो कि अपने हॉर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जैसे ही हमारा चिंगमोन आता है वो उस सर्वेंट से कहता है कि जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो
कैसे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्क्यूबाइन का सन पाउंड में गिर गया था उस साल, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए। बात सुनते वो सर्वेंट कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। और जैसे वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है, हमार चिंगोन अपने हॉर्स के पास आता है और कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी ब्लैकी। और सोचने लगता है कि ब्लैकी का यूज़ मैं बहुत कम किया करता था, ये वाइल्ड हॉर्स था तो मैं इसे सिर्फ अपने वॉर के टाइम पर भी यूज़ किया करता था। ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे जनरल ने भी इसे अपना हॉर्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसने सभी को अवॉइड किया और मुझे चुना ब्लैकी। हम दोनों एक बार फिर से आ गए जुनकुन में। लास्ट टाइम जब हमने उस माउंटेन से जंप किया था उससे पहले ही तुम्हारी डेथ हो चुकी थी, लेकिन ब्लैकी इस बार नहीं, इस बार मुझे चांस मिला है सब कुछ शुरू से शुरू करने का। जो भी जनरल थे जिन्होंने मेरे डिजास्टर क्रिएट किया है उनका मैं फॉर्चून बर्बाद कर दूंगा और अपना फॉर्चून फिर से बनाऊंगा और इस डिजास्टर को खुद से दूर कर दूंगा। मैं नहीं जानता किसने किया और क्यों किया, लेकिन हम दोनों अब साथ आ चुके हैं और हम दोनों मिलकर सबको अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी एक सर्वेंट आता गया था वांगाई, कल मैं ली यंग कुई गया था और उन्होंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जो रह गया है, सो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये बात सुनते हमारा जो चिंगन होता कहता है ली यंग कुई ठीक है, और सोचने लगता है कि मैंने इस मैन के बारे में पहले भी सुना था। लास्ट टाइम मैंने इसे ब्लू अकाउंट बुक में हिडन सीक्रेट के तौर पर इसी के बारे में पढ़ा था। और तभी कहता ठीक है मैं बाद में चला जाऊँगा, तो मेरा जूशिंग बिल्डिंग में वेट करना नून के टाइम पर। यह बात सुनते वो सर्वेंट कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो पूरे स्ट्रीट में अपने हॉर्स के साथ दौड़ता हुआ पता नहीं कहाँ जा रहा होता है। तभी एक जो लेडी होती है वो कहती है देखा ना, अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो मैं चिंगोन से कह दूंगी कि वो तुम्हारा ये कैंडी छीन ले। ये बात सुनते ही हमारा जो चिंगोन होता है उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था। एक ऑफिशियल था वो कहता है चिंगोन ने घपला किया है, उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों को बैटल में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया और वो ऐसे एक्ट कर रहा है जिससे उसे कुछ पता नहीं है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी हमारा चिंगोन सोचने लगता है कि सारा क्राइम जो कि मैंने किया नहीं था सब कुछ मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया गया, क्या मजाक है, मेरी पूरी बर्बाद हो गई लाइफ, इतने सारे लोगों की जान गई, लेकिन कैसे, उतनी तो सोल्जर भी मेरे पास नहीं थी तो इतनी लोगों की जान कैसे जा सकती है, मिलिट्री के रूल रेगुलेशन मुझे तो उनसे कभी कभी हेट हो जाता है, लेकिन इस बार मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा और अपनी लाइफ में इतनी सारा प्रॉब्लम भी नहीं आने दूँगा। देखते हैं कि रूमर्स कैसे अब स्टार्ट होते हैं। ओह प्लॉट का टाइम तो आ गया, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है और हम लोग उस प्लॉट पर पहुँच चुके हैं। अब हमें जुनकुइन दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था। हमारा जो जुनकुइन होता है वो अपने डाउरी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे पास 30,000 से भी ज़्यादा डाउरीज हैं जो कि इतना इनफ नहीं है, अगर मैं किसी विलेज को भी ख़रीदने चाहूँ तो उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि एक मेन वाइफ प्राइम मिनिस्टर की मेन वाइफ एक कॉन्क्यूबाइन के सन से क्यों डर रही है, वो मेरे स्टेटस से डर रही है। अभी इस वक्त जो मेरी रेपुटेशन है एक मेन वाइफ की, चिनमोन की मेन वाइफ की रेपुटेशन से वो डर रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि वांगाई मैडम कॉन्सर्ट यहाँ पर आई है जो कि ईस्टर्न कोर्ट से है। ये बात सुनते ही हमारा जो जुनकुन होता है वो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी ये बात सुनते हुए सर्वेंट कहता है कि शायद इस हाउस की जो ड्यूटीज़ है वो अग्री नहीं है, वो कह रही हैं कि वो आपको प्रोवाइड करेंगी जितना भी अकाउंट बुक है फ्यू मंथ्स का वो सब आपको प्रोवाइड करने वाली है। ये बात सुनते हमारा जो जुनकुन होता है कहता है ठीक है वहाँ पर उसे इनवाइट कर दो, मैं उससे मिलूंगा। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।